दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सो स्टार्ट। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस दैट आर यूज्ड इन स्पोकन एंड राइटन लैंग्वेज। दीज आर कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। फोर टाइप के सेंटेंस। नंबर फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नंबर फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट गिव इंफॉर्मेशन एंड इट्स एंड्स विद ए फुल स्टॉप। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वह होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं, साधारण वाक्य होते हैं और उनका एंड फुल स्टॉप से होता है। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस मे बी ए सिंपल सेंटेंस हैव ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और इट मे बी ए कंपाउंड सेंटेंस हैविंग ए कोमा एंड कंजक्शन और सेमीकोलन, यूज्ड विद विदाउट ट्रांजिशन वर्ड। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और यह साधारण वाक्य होते हैं जिनका एंड फुल स्टॉप से होता है, बीच में कोमा या सेमीकोलन भी हो सकता है। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक क्लाइंब, ही इज 8 years old, द स्काई इज ब्लू, ही वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल बट हिज फ्रेंड वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल, सी प्ले द पियानो एंड ही सिंग्स अलोंग, सी हैड टू मेक द नेक्स्ट फ्लाइट, सी क्विक packed her bag. The house has a new window, however the roof still lacks. So next पाते हैं second पे, interrogative sentence। अब जानेंगे interrogative sentence कौन से होते हैं। interrogative sentence, interrogative sentence, interrogative sentence। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर यूज फॉर आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वाक्यों में। दिस सेंटेंस एंड विद ए क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मे बीइंग विद आइथर WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है और ये हेल्पिंग वर्ब से, ये WH वर्ड से शुरू होती है, क्वेश्चन वर्ड से इनकी शुरुआत होती है। WH वर्ड कौन से, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हम। एग्जांपल, व्हाट इज़ द राइट वे टू आयरन ए शर्ट, When are the best day to go to the mall? Where is your new cat? Are your shoes on? Did you eat lunch yet? Was the movie enjoyable? So interrogative sentence हो गए। अब आए हम imperative sentence पे। Imperative sentence किने कहते हैं। Imperative sentence, imperative, board में some problem हो रही है। इम्परेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, ये तीसरा टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आर यूज टेलिंग समवन टू डू समथिंग। इम्परेटिव सेंटेंस वह होते हैं जो बता कुछ करने के बारे में बताते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस इंक्लूड एडवाइस, सुजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। इम्परेटिव सेंटेंस वह होते हैं जो किसके बारे में बताते हैं, एडवाइस के, सुजेशन के, रिक्वेस्ट के, ऑर्डर के और इंस्ट्रक्शन के।
दिस सेंटेंस कैन बी इंडेफिनाइट बाई लुकिंग एट द वर्ब दैट गिव सम इंस्ट्रक्शन. इम्परेटिव सेंटेंस वह होते हैं जो कमांड देते हैं, सुजेशन देते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन देते हैं. जैसे टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज, प्लीज़ पास मी द जाम, क्लोज द डोर, लीव इमिडिएटली, लेट अस गो टू द पार्क, टेक रेस्ट नाउ, गेट आउट, वेट फॉर मी. ये हो गए सब इम्परेटिव सेंटेंस. अब आए नंबर फोर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नंबर फोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अभी से पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर दो सेंटेंस दैट एक्सप्रेस इमोशन. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह होते हैं जो हार्ट का इम्प्रेस या इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, दिल की भावनाओं को व्यक्त करते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इनका एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है. एग्जांपल, अलॉस, आई हैव रियोन्ड माय लाइफ, हुर्रा, दे हैव रिटर्न्ड सेफली, ओह यू सोक्ड मी, वाओ दैट इज़ ए फंटास्टिक, व्हाट ए लवली पीस ऑफ आर्ट, आई एम सो मैड राइट नाउ. ये हो गए इम्परेटिव सेंटेंस. सो आज चारों टाइप हो गए हैं, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस जो साधारण वाक्य होते हैं, जैसे सूरज पूरब से निकलता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं, तुम कहाँ रहते हो. इम्परेटिव सेंटेंस जो कमांड देते हैं, प्लीज़ गेट क्लोज द डोर. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हार्ट की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ओ माई गॉड. So we will meet next video. ये है type of sentence. अब मिलेंगे हर तुम अगली वीडियो में, जिसमें होंगे parts of sentence. ये हैं types of sentence, parts of sentence. Sentence के क्या क्या parts होते हैं.